आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उज्ज्वला योजना पार्ट 2 के शुभारंभ के अवसर पर एनेक्सी भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम, विधायक ने कहा उज्ज्वला योजना से महिलाओं को मिलेगा सम्मान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव ने लखनऊ से एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण की प्रगति की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। नवागत एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने मंगलवार को संभाली जिले की कप्तानी, किया कार्यभार ग्रहण, कहा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखना ही होगी पहली प्राथमिकता। उज्ज्वला योजना पार्ट 2 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉक पाली के ग्राम पंचायत कोदरी के टोला डिहलीपार निवासी किरण और उनकी बेटी से किया वर्चुअल संवाद, लोगों को योजना और उसके लाभ के संबंध में जानकारी देने की कही बात। गोरखपुर में मंगलवार को भी नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,376। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 15 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को मतदान स्थलों के संभाजन एवं मतदाता सूची के प्रगति की समीक्षा, जिला स्तरीय सोशल एवं मीडिया सेल गठन करने के साथ मतदाता पहचान पत्रों का मुद्रण एवं वितरण में तेजी लाने के दिए निर्देश। नवागत एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने किया गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन, मंदिर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, सुरक्षा को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव बीएल मीना एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने शासकीय योजना की समीक्षा, गेहूं और धान खरीद पर की चर्चा, कहा सभी केंद्रों पर उर्वरक की रखी जाए समुचित व्यवस्था, किसानों को ना होने पाए कोई दिक्कत। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मदर टेरेसा फाउंडेशन के द्वारा नगर निगम के सदन हाल में किया गया नुक्कड़ नाटक का मंचन, नाटक के माध्यम से साफ सफाई का दिया गया संदेश। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों को समय अवधि के अंदर पूरा करने के दिए निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आयुष्मान कार्ड को बनाए जाने संबंधित बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेसियों ने निकाला पदयात्रा, बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग। जनपद में 52 केंद्रों पर 9,505 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,641 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,864 लोग रहे शामिल, सीएमओ ने की अपील, कहा आवश्यकता पर ही निकलें घरों से बाहर, करें मास्क का प्रयोग, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के साथ सांपों को देखना भी माना जाता है शुभ, सपेरे सांपों को पीन की धुन के साथ नचाकर करते हैं अपना भरण पोषण।